वो रहा, रुक जा, रुक जा, सूर्य भैया, सूर्य भैया भाई क्या करूं, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। मैं आपका भाई सूर्या दीपक के साथ में इस लोकेशन पे क्यों खड़ा हूँ, इस लोकेशन को देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कौन सी लोकेशन पे खड़ा हूँ। आप लोगों की जो डिमांड रहती है उस लोकेशन पे हम तीन भाई आए हैं। कैमरे पे सूरज है, दीपक भाई है और मैं हूँ। हम तीन भाई इस लोकेशन पे आए हैं। आज हाथ में ये सारी चीज़ें ले रखी है, इसका कारण है कई लोग, पहले एक बात क्लियर कर दूं, कई लोग इस लोकेशन के लिए बोल रहे हैं कि वो भूत कब से जूते पहनने लग गए। तो ये बात क्लियर कर दूं कि ये कोई भूत नहीं है जिस लोकेशन को हम विजिट कर रहे हैं अभी, या जिस लोकेशन के लिए अभी आए हैं, ये कोई भूत नहीं है। ये एक साइको है, पागल है, जो चाहता है शायद कुछ और या कुछ से भी ज़्यादा कुछ और। हम इस लोकेशन को क्लियर करने के लिए बार बार क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की डिमांड आ रही है भाई सूर्या भाई उस लोकेशन को क्लियर करो और इस लोकेशन के एपिसोड्स लेकर के आओ। इसलिए हम दोनों भाई, सॉरी हम तीनों भाई यहाँ पे खड़े हैं, जान को जोखिम में डाल के आधी रात को यहाँ पे आते किस लिए, आप लोगों के लिए। बस सिर्फ इस चीज़ का अफसोस होता हुआ है कि भाई जब सामने मैंने बोल दिया कि वीडियो में ये भूत नहीं है, नहीं है, नहीं है, फिर क्योंकि ऐसे कमेंट आते हैं कि भाई भूत कब से जूते पहनने लग गया है, ये है, वो है। मैं साफ बोल रहा हूँ भाई, कोई पागल है, साइको है, जिसके सारे कपड़े देखना सने हुए हैं बहुत गंदी तरह से। सर वो कुछ लोग होते हैं ना जो बिना वीडियो देखे, बिना कुछ सोचे समझे, कैसे भी करें, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ भाई आप वीडियो पूरी देखना, आपको कहानी समझ में आएगी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इससे पहले यहाँ के 6 एपिसोड आ चुके हैं भाई, सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पार्ट बाय पार्ट आप देखोगे ना समझ में आएगी कहानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे। हम आधी रात को क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, हम उस साइको को एक बार पकड़ ले, चाहे डरा धमका के चाहे कैसे भी करके, बस उसका सच सामने ले आए आप लोगों के ना, तो आप लोगों को कम से कम एटलीस्ट इतना तो समझ में आ जाएगी वो भूत नहीं था। मैं अपनी वर्डिंग से बोल रहा हूं कि भाई भूत नहीं था, नहीं था और नहीं है वो भूत। साथ में हम दोनों हैं, कैमरे पे सूरज है, गाड़ी रहेगी साथ में हमारे, गाड़ी के पार्किंग सेंसर हमने इसलिए चालू कर रखे हैं भाई, बाई चांस अगर पिछली बार के जैसे हमारे पास पूरी टीम थी फिर भी वो पकड़ में नहीं आया, पर ये पार्किंग जो है ना जरूर चालू रहेगी, तो एटलीस्ट हमारे को इतना तो पता रहेगा गाड़ी हमारी खड़ी है, और अगर कोई और भी आता हुआ होगा ना तो उसको दिख जाएगी गाड़ी की गाड़ी खड़ी है वहाँ पे, कोई तो बात होगी तो वो जल्दी आने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा और। सूरज आजा, जैसी मुसीबत हो उसका सामना करने के लिए हम तैयार रहते हैं, क्यों रहते हैं, कारण होगा ना उसका भाई कुछ तो। इतनी हिम्मत मिलती है जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो हिम्मत मिलती है अंदर से, तो क्यों काम नहीं करेंगे। जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतनी ज़्यादा हिम्मत और बढ़ती है अंदर से, तो जितने हो सके उतने ज़्यादा लाइक करो वीडियो पे, चैनल को सब्सक्राइब करने की नहीं बोल रहा हूँ, जितने ज़्यादा हो सके उतने लाइक करो वीडियो पे ताकि मोटिवेशन मिले अंदर से। सूरज अंदर आ, आवाज हो रही कुछ तबीयत ठीक नहीं है। दीपक इधर
ये पे रुको बिल्कुल। देखो सूर्य भैया, नहीं सूर्य भैया इस तरफ से भी आ रही सूर्य भैया आवाज। गाड़ी की तरफ से वापस आवाज आ रही है। सुन दीपक आगे आगे रहो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा था मेरे। भाई हमारा काम कैप्चर करने का ही होता है, हमारा कहीं से भी पर्पस नहीं होता कि हम किसी को नुकसान पहुंचाए, लेकिन खुद की जान पे बनेगी यहाँ तो फिर तो कुछ भी करना पड़ेगा यार। चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, यहाँ पे अगर खुद की जान पे बनेगी तो कुछ भी कर सकते हो फिर आप सेल्फ डिफेंस के लिए। जो भी है चीज़ बहुत परेशान कर चुकी है, बहुत परेशान कर चुकी है यहाँ पे इंसिडेंट होते रहते हैं इस रोड पे यार, चलने वाला रोड है ये सुनसान क्यों रहता है सिर्फ इसी वजह से। ये मेन जो रोड है पूरा डामर का चलता हुआ रोड है, चालू रोड है, बिल्कुल चालू रोड है ये, सिर्फ इसी इन घटनाओं की वजह से है ना ये ऐसे सुनसान है। चल बैठ गाड़ी में। लकड़ी हाथ में रखना, कैप्चर होता है ना कैमरे में तो उसका ध्यान रखियो ठीक है, क्योंकि है ना अपन इस रोड पर निकले तो ये देख ले अपन अपनी जान को दांव पे लगा के फिर निकले यहाँ से। वो तो ही यहाँ पे हर एक चीज के बारे में ध्यान रखना जरूरी है, इस रोड के हर एक कोने के बारे में, हर एक एंगल के बारे में। कुछ महसूस हुआ था या कुछ चीज थी? कहाँ गया? ओरो ओरो कौन है? कौन है? जा रहा कहीं सूर्य भाई? रोड पे गाड़ी नहीं, गाड़ी साइड में करो पहले। यहाँ था देख, यहाँ से कहीं ना कहीं गया वो। आवाज आ रही है आगे से, आ रही है उस तरफ से, इधर की तरफ से आ रही है आवाज, आगे से आ रही है। ये रहा रास्ता, हो सकता है यहाँ से गए हो। चले गाड़ी सूर्य हाँ
सूर्य भी और भी इसके साथ सूर्य भी इधर पीछे भी कोई था तो पीछे भी कोई था गया अभी है ना जब वो आया था ना तो इस साइड में से भागा था पता नहीं पड़ रहा वो चीज तो अपन ने देखी थी चीते की स्पीड में भाग रहा है बहुत ज्यादा भाई इधर कांटे देख एक बार अगर इधर गया होगा तो इधर तो कांटे पड़े ये मेरे से खुद से नहीं चला जा रहा कांटे देख तो भाई मेरे खुद से नहीं चला जा रहा भाई इधर कांटे देख यार अभी इन कांटों के अंदर कुछ चला जाएगा घुस जाएगा क्या यार समझ में नहीं आ रहा मेरे को गया कहां आवाज आवाज आ रही है जैसे वो कुछ बोल रहा हो या कुछ बुलाने की कोशिश कर रहा हो आज के एक से ज्यादा लग रहा है मेरे को नहीं सर वो साइको नहीं नहीं एक से ज्यादा लग रहा है मेरे को या तो अकेला पागल है बड़बड़ाहट कर रहा है या फिर उसके साथ में कोई अकेला ही है सर वो बातें करने की आवाज आ रही है नहीं हाँ सर हो सकता है क्योंकि मेरा डाउट था पहले वो यहाँ पे उधर से वो आवाज आई थी पीछे से भी आवाज आई थी आवाज आ रही है ना कैसा आवाज आ रही है कांटे का रास्ता देख रास्ता ये रास्ता देख कैसा रास्ते में से आया अपन और वो गोली की तरह निकल रहा है इन रास्तों में गाड़ी से आवाज आ रही वापस से गाड़ी से आवाज आ रही है और बात भगवान गाड़ी के पास रखो कर दीजिए गाड़ी के पास भाई लाइट नीचे कर सर साइको है ना सोच के थोड़ी ना भागेगा और ऐसे रोड पे आया ना सामने गाड़ी चढ़ा दूंगा इस पे प्यार से बात करने की कोशिश करेगा दीपक प्यार से बात करने की कोशिश करेगा इससे क्या पता परेशान हो साइको भी होगा तो क्या पता अपन जैसे पास में जा रहे भाग रहा है रुक भी तो नहीं रहा वो हो रहा सर गाड़ी पीछे कौन हो क्या चाहते हो आप आधी रात को क्या कर रहे हो यहाँ पे कुछ बताओगे आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो देखता हूँ यार।